न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया संवाददाता तुषार श्रीवास्तव भी इस वक्त लखनऊ में मौजूद हैं। शाइस्ता अंबर जो कि ऑल इंडिया मुस्लिम महिला पर्सनल लॉ बोर्ड की अध्यक्ष हैं। तुषार, ओवर टू यू। हाँ बिल्कुल, देखिए यहाँ पर अगर बात करें तो जो शाइस्ता अंबर जी हैं चाहे और जो मुस्लिम संस्था, उनका साफ तौर पे कहना है कि ये एक इनकलाब की शुरुआत है, महिलाओं के लिए ये इनकलाब आ गया है। इस समय हमारे साथ शाइस्ता अंबर जी मौजूद है, आइए हम उनसे खुद बातचीत करते हैं। मैम, सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है ट्रिपल तलाक पर, उसको आप किस तरह से देखती हैं? मैं समझती हूँ ये एक क्रांति आई है, एक इनकलाब आया है, और जो जो हमारी बहनों को आज सुप्रीम कोर्ट ने उनकी ज़िंदगी को जीने का एक मजबूत एक कानून की बात की है, ये इससे उनको उनका हौसला बढ़ा है, उनके अंदर एक आत्मविश्वास पैदा हुआ है, और उनको लग रहा है कि अब जो तीन तलाक एक ही सांस में कोई दे देगा, इंटरनेट ईमेल या गुस्से पे या किसी तरह से सपने में, वो तलाक को वैलिड नहीं माना जाएगा और तीन तलाक उसी तरह को माना जाएगा जो कुरान शरीफ में 3 महीने पर है, रुक रुक करके है। तो तलाक एहसन और तलाक हसन को फॉलो किया जाएगा, तलाक बिदा को रोक दी गई है। तो मैं समझती हूँ ये एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक फैसला है, सच्चाई और ईमानदारी का, निष्पक्ष और न्यायप्रिय और बहादुरी का फैसला आया है। इसका मैं हिंदुस्तान की सभी औरतों की तरफ से माननीय सुप्रीम कोर्ट को मैं धन्यवाद देती हूँ और स्वागत करती हूँ। उन मौलानाओं के बारे में क्या कहेंगे जो इस फैसले का विरोध कर रहे हैं, जिनका साफ तौर पर कहना है कि जबरदस्ती सरकार हमारे मुस्लिम जो कानून है उसके अंदर एंट्री कर रही है? देखिए, किसी के एंट्री करने न करने से नहीं होता है, ये हमारे चाहे हमारी हिंदू बहनें हों, चाहे मुस्लिम बहनें हों, चाहे सिख समुदाय कोई भी है, सबको अपना अपना धर्म से जीने की, अपने अपने धर्म को फॉलो करने की आज़ादी है, और वो उनको धर्म का ज्ञान है, वो अपने को धर्म को पहले लेती हैं, बाद में किसी तरह की सोचती हैं। तो इंसानी हकूक हर धर्म में है, इंसानियत मानव अधिकार हर धर्म में है। अगर मुस्लिम औरतें कुरान शरीफ के कानून के हिसाब से अगर वो तलाक को फॉलो कर रही हैं तो वो किसी के ज़रूरत नहीं है कि वो किसी की बात को माने। और अगर कोई उलमाए किराम या मौलाना अगर गुमराह भी करेंगे तो इसको हम लोगों को पहले समझना पड़ेगा, और हमारे उलमाए किराम कुरान शरीफ में जो भी कानून है उसको फॉलो करते हैं। अगर चंद लोग इसको गुमराह कर रहे हैं और इसको ये कह रहे हैं कि ये दखलंदाजी है तो इस पर कोई ध्यान नहीं देता, अगर ध्यान दिया होता तो आज हमारे सुप्रीम कोर्ट में औरतें न जाती, वो अपना कानून ईमान और कुरान शरीफ के साथ चलना चाहती हैं, एक हाथ में संविधान और एक हाथ में कुरान लेके चलती हैं। बिल्कुल, देखिए अगर बात करें सुप्रीम कोर्ट की तो पूरा का पूरा फैसला सरकार के पाले में डाल दिया है, और ये इस फैसले पे 2019 का चुनाव भी डिपेंड करेगा, तो इसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, सरकार के पाले में नहीं डाला है माननीय सुप्रीम कोर्ट ने, उन्हीं ने पार्लियामेंट में, क्योंकि वो पार्लियामेंट में कानून पर चर्चा होगी, लोकसभा राज्यसभा में चर्चा होगी, इसके बाद कानून तो वहीं से होगा, और जो भी हमारे न्यायालय ने, हमारे सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है वो एक तरह से संकेत दिया है कि कानून बनना चाहिए ताकि मुस्लिम औरतों की जो ज़िंदगी बर्बाद हो रही है, बच्चे माँ बाप से जुदा हो रहे हैं, उसको किसी न किसी तरह उनके जीवन को सुरक्षित तो और एक मजबूत कानून बने। मैं समझती हूँ कि बहुत अच्छा फैसला आया है, और पार्लियामेंट में सरकार की जिम्मेदारी बनती है, चाहे किसी सरकार ने मुस्लिम औरतों के तलाक पे गंभीरता से चिंता की हो ना की हो, लेकिन इस सरकार ने तलाकशुदा औरतों की चिंता की है, तो वो कुरान शरीफ के कानून के हिसाब से मुस्लिम मैरिज एक्ट बनाए जिस तरह हिंदू मैरिज एक्ट है। बिल्कुल, यहाँ पे मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की जो अध्यक्ष है शाइस्ता अंबर जी का, उनका साफ तौर पे कहना है कि मुस्लिम मैरिज एक्ट बनाए जिस तरह से हिंदू मैरिज एक्ट है, उसके बाद ही इस तरह के जो भी तलाक पीड़ित हैं उनको न्याय मिलेगा पूरी तरह से, और सरकार के लिए ये एक अच्छा कदम है, सुप्रीम कोर्ट का ये एक अच्छा कदम है जो इस फैसले पर कानून बनाने के लिए सरकार को पूरा आदेश दिए। जी बहुत शुक्रिया तुषार श्रीवास्तव, शाइस्ता अंबर की बात हम तक पहुँचाने के लिए आपका।